परमान जी, दो चीज़ें। गालिब कहते हैं कि दुनिया में भांति भांति के लोग, कुछ बेवकूफ़, कुछ बड़े बेवकूफ़, कुछ महाबेवकूफ़। तो जो भी जदयू के लोग हैं या राजद के लोग अगर G20 के बारे में बोल रहे हैं तो ये महाबेवकूफ़ की कैटेगरी में आते हैं। उनको लगता है कि समय और संसाधन की बर्बादी है। आपको मालूम है देश का नाम कितना ऊँचा हुआ है, वहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी का कितना एक्सचेंज होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर फ़ोटो खींचा जाता है तो एक औपचारिकतावश फ़ोटो है भाई। अगर आपका कोई गेस्ट आता है तो होस्ट जो है वो अपने गेस्टों से मिलवाता है, उसी में हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। जब एक बार माननीय गृह मंत्री और बीजेपी, जो कि NDA की सबसे बड़ी घटक दल है, उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है, एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा है, तो फिर बात तो उठता ही नहीं है ना प्रवन भाई। अब इसके मायने जो लगाना चाहे लगाएं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, हालांकि मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का अब NDA में आना बिल्कुल असंभव है।